अनुपमा में वनराज शाह का किरदार निभाकर घर घर में फेमस हुए सुधांशु पांडे के बाहर होने से फैंस को काफी तगड़ा झटका लगा है। न सिर्फ फैंस बल्कि शो की बाकी स्टार कास्ट भी हैरान है सुधांशु के जाने से। अब सुधांशु ने अपने जाने पर बात की और कहा कि वह फिलहाल ज्यादा बोलकर आग नहीं लगा सकते। उन्होंने अपने फैसले को भगवान का आशीर्वाद बताया और कहा कि वह वापसी का भी नहीं सोच रहे हैं। दरअसल शो से बाहर होने पर ऐसी खबरें आई कि उन्हें निकाला गया है। इस पर उन्होंने कहा, जब भी ऐसा कुछ होता है तो ऐसी खबरें आती है। मैं फिलहाल कुछ भी बोलकर आग नहीं लगाना चाहता। मुझे लगता है कि सबकी अपनी राय होती है और इससे विवाद होते हैं और मैं इसे नज़रअंदाज करता हूँ। मैंने खुद को महाकाल को समर्पित कर दिया था और विश्वास है कि वह मुझे हमेशा गाइड करेंगे। यह फैसला अचानक हुआ था, हालांकि सब पॉजिटिव है। मेरा दिमाग शांत है और हम खुश हैं। मैं इसे आशीर्वाद की तरह लेता हूँ। वनराज के किरदार को लेकर सुधांशु पांडे ने कहा, वनराज शाह काफी स्ट्रांग किरदार है और वह कभी हल्का नहीं पड़ सकता, बल्कि उसे उतना फुटेज नहीं मिला था जितना वो डिजर्व करता था। यही वजह है कि मुझे किरदार के ग्राफ की चिंता नहीं होती थी। एक ही चीज जिसकी मुझे चिंता होती, अगर मैं कम दिन की शूटिंग करता तो पैसे कम कमाता। अनुपमा में वापसी को लेकर सुधांशु ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। आप जब मूव ऑन करने का फैसला कर लेते हैं तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। मैं आगे ही बढ़ता रहूंगा। शो के प्रोड्यूसर राजन साही के साथ अनबन की खबरों पर सुधांशु पांडे ने कहा, राजन मेरे पुराने दोस्त हैं और हमारा रिश्ता तो भाई जैसा है। मेरी तरफ से कुछ नहीं बदला है। मेरे मन में किसी के लिए गलत फीलिंग्स नहीं है। सुधांशु पांडे के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।